नमस्कार। इतिहास जो है अपने आप में बहुत सारी गाथाएं कहता है, और ऐसी एक गाथा देखने मैं इस स्थान पे हूँ। और जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं वो फ़िश हब के फाउंडर हैं। फ़िश हब जो है यहाँ एक कंपनी है जो पूरा मतलब टूर ऑर्गेनाइज करती है, तो उनके जो फाउंडर हैं मिस्टर विल्सन, वो मुझे यहाँ इस स्थान पे लेके आए हैं। मैं इस समय एक गुफा में हूँ, और ये जो गुफा है ये बहुत पौराणिक है, और इसकी एक गाथा है। गाथा ये है कि जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जब रीफ्यूलिंग होती थी, तो जो रीफ्यूल करने के लिए जो टैंक्स होते थे, जो पेट्रोल होता था, डीजल होता था, उसे छुपा के रखा जाता था। तो इस गुफा के अंदर बहुत सारे टैंक्स छुपा के रखे जाते थे, जो कि जिसमें तेल होता था। छोटे जहाज आते थे, वो समुद्र में उतरते थे, और वहाँ से रीफ्यूलिंग होती थी। मैं आपको इस स्थान को दिखाने का प्रयास करता हूँ कैमरा लेके, और इसके ऊपर देखिए कि ये जो फॉर्मेशन है ये सब रॉक, आई मीन मेरा मतलब है लाइमस्टोन की फॉर्मेशन है, और ये कितनी डीप है ये जो गुफा है, और कितनी बड़ी है। और ये इसका मुंह है जहाँ से जो है एंट्री होती थी, और बहुत ही सुंदर गुफा है। साथ ही इसका पानी भी इतना खूबसूरत है देखने में कि यहाँ से आप बिल्कुल तली देख सकते हैं, तल देख सकते हैं। तो इतिहास अपनी जो गाथाएं कहता है वो बहुत ही रोमांचक होती हैं, और इस स्थान पे आके ये समझने का प्रयास किया कि गुफाएं सिर्फ देखने भर की नहीं होती हैं, उसका सही सदुपयोग कैसे किया जाए, कुछ चीज़ छुपाने के लिए किया जाए। जब वॉर होती है तो उस समय भी छुपा के रखा जाता है, बहुत चीज़ें छुपा के रखी जाती है। तो इस गुफा का इस्तेमाल हुआ था। एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूँ ऊपर का हिस्सा दिखाने का कि ये किस प्रकार से ये गुफाएं हैं। अब इसमें इंसान तो नहीं रहते, अब चमगादड़ें रहती हैं इस स्थान पे, और बहुत ही सुंदर स्थान है। कभी आपका पलाऊ आने का मन करे तो आइएगा ज़रूर। अब मेरे सामने मिस्टर विल्सन हैं, फिश हब के फाउंडर, जो मुझे ये पूरा ट्रिप करा रहे हैं, और मिलूंगा बहुत जल्दी अगली ही एक छोटी सी मिनी व्लॉग में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विराम। मैं हूं अंबर शर्मा, आप सब लोग मुझे मोगली बाबा के नाम से जानते हैं। इस समय मैं रॉक आइलैंड पलाऊ में हूं।